final. You got this. Are you serious? दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनका हर काम भाई बड़ी आसानी से हो जाता है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बनते बनते काम भाई बिगड़ जाते हैं। हालांकि हम अक्सर बोलचाल की भाषा में खुद को खराब किस्मत वाला कह देते हैं, लेकिन आज जिन लोगों की क्लिप्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, उसको देखकर आप भी कहेंगे अरे यार अपनी किस्मत तो भाई इनसे अच्छी है। तो चलिए बॉस शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। दुनिया के सबसे अनलकी लोगों को देखते हैं। दोस्तों कहावत तो आपने सुनी होगी, समय बड़ा बलवान होता है। समय खराब होने पर अच्छी चीजें भी खराब होने में देर नहीं लगती है। अब जरा आप इस फुटेज को देखिए जिसमें एक साइक्लिस्ट पहाड़ों पर साइकिलिंग कर रहा है, खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठा रहा है। लेकिन भाई इसकी जो खुशी है ना, ये ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि आगे माउंटेन रोड पर साइकिलिंग करते हुए उसका पाला कुत्तों के झुंड से पड़ जाता है। भाई साहब पहले तो केवल 4 से 5 कुत्ते थे, लेकिन उसके बाद उनकी तादाद बढ़ गई। जंगली कुत्तों का झुंड आ गया, साइकिलिस्ट पर भौंकने लगा और उसे चारों ओर से घेर लिया। वीडियो देखकर वाकई में ऐसा लग रहा है आज इस साइकिलिस्ट का सबसे मनहूस दिन है। इसलिए इस मुसीबत की घड़ी में भाई इसको बचाने के लिए आसपास कोई मौजूद भी नहीं है। जरा सोचिए इस मासूम का क्या हुआ होगा यार। अब ऐसी घटनाएं तो यार हर किसी के संग होती नहीं है। दोस्तों हमारी अगली फुटेज उन लोगों के लिए जो अक्सर स्नो स्कीइंग का लुत्फ उठाने के लिए सोचते हैं। देखिए जिन इलाकों में बर्फ गिरती है वहां पर ये काफी पॉपुलर है। दूर दूर से लोग आते हैं भाई इस खेल का मजा उठाने के लिए। स्कीइंग करने के लिए आपको आइस स्केट्स की जरूरत होती है, जिसके इस्तेमाल से आप ऊंचाई से नीचे की ओर स्लाइड करते हैं। अक्सर ये स्लाइड मजेदार होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा करते हुए कई सारी घटनाएं भी हो जाती हैं। और अगर आपका दिन खराब हो तो समझ लीजिए ऐसे खेल में भाई आपकी शामत आ सकती है। देखिए जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये ऐसे शख्स की है जो स्केटिंग करते हुए पहाड़ों से नीचे आ रहा था, लेकिन अचानक ही इसकी जैकेट ऊपर से आती हुई चेयर लिफ्ट में फंस जाती है। ऐसे में स्केटर चेयर लिफ्ट से लटक जाता है और ना चाहते हुए भी वापस पहाड़ की चढ़ाई पर पहुंच जाता है। वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्केटर किसी सामान की तरह चेयर लिफ्ट पर लटका हुआ है। शुक्र है इसका जैकेट नहीं फटा और ये सही सलामत पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। ऊपर पहुंचने के बाद इस आदमी को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन ऐसी घटना ने इस आदमी का दिन बहुत जरूर खराब कर दिया है। दोस्त की यारी दुनिया जहां में सबसे प्यारी होती है। जब कभी 2-4 यार मिल बैठते हैं तो मस्ती मजाक होना भाई लाजमी सी बात है, लेकिन कभी कभी ये मस्ती देखिए बहुत भारी पड़ जाती है। हमारी अगली वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है जो अक्सर अपने फ्रेंड्स के संग हैंग आउट करते हैं। इस फुटेज में कुछ दोस्त मिलकर एक रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने जाते हैं, लेकिन इनमें से एक दोस्त अपने यारों को इम्प्रेस करने के लिए पिज्जा हाथ में लिए भाई डांस मूव्स करने लगता है। लेकिन देखते ही देखते शो ऑफ के चक्कर में लड़के के हाथ से दोनों के दोनों पिज्जा नीचे गिर जाते हैं और आसपास बैठे हुए लोगों के सामने ये हंसी का पात्र बन जाता है। सब इस पे हंसने लगते हैं। बेचारे को अपने शो ऑफ का सबक तो मिला ही, साथ ही साथ अपने पैसों से भी अपने दोस्तों को इसको पिज्जा खिलाना पड़ा। इसलिए कहते हैं ओवर एक्टिंग मत करो यार। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि क्रिकेट के फैंस इस गेम को लेकर काफी पॉजिटिव रहते हैं। जब इनकी फेवरेट टीम जीत जाती है ना तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और हारने पर भाई सब तीर तलवार चल जाते हैं। अब जरा आप इस फुटेज को देखिए जिसमें एक फैन अपनी फेवरेट टीम की जीत का जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। ओहो क्या बात है, लेकिन ये जश्न कुछ ज्यादा ही रंगीन हो जाता है। नाचते नाचते फैन जो होता है अपने आपे से बाहर हो जाता है और सामने रखी टीवी पर भाई साहब अपना हाथ मार देता है जिससे स्क्रीन में क्रैक हो जाता है। भाई कमाल है, आज तक लोगों को मैच हारने के बाद टीवी तोड़ते हुए देखा था, लेकिन खुशी में टीवी टूटते हुए मैंने पहली बार देखा है। भाई लोगों मोटो रेस एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें बाइकर्स कच्चे रास्ते पर बाइक चलाते हैं। स्पोर्ट्स की शुरुआत बाउंड्री से होती है जिसे रेफरी के स्टार्ट बोलने पर हटा दिया जाता है। खेल के दौरान सभी बाइकर्स आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं कि मैं आगे जाऊंगा और फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचने के बारे में सोचते हैं। लेकिन तब क्या हो जब रेस शुरू करने से पहले ही आप हार जाएं। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप हार जाएं। नहीं समझे, दरअसल इस फुटेज में जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ ना और सारे बैरियर हटाए गए तो एक प्लेयर की बाइक का फ्रंट व्हील जो था वो बैरियर में फंस गया और रेस स्टार्ट होने से पहले ही वो गेम में भाई सबसे पीछे रह गया। हालांकि उसका दोस्त उसे सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करता है, लेकिन तब तक सभी बाइकर्स गेम में बाजी मार लेते हैं। खैर जब खुद का नसीब खोटा हो तो भाई क्या किया जा सकता है। दोस्तों माँ बाप बनना एक जिम्मेदारी का काम है। हम सभी जानते हैं कि बच्चे काफी मासूम होते हैं, वेरी इनोसेंट, और उनको भाई छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती हैं कि बेटा ऐसा करो ऐसा नहीं करो। इन बातों में काफी टाइम भी लग जाता है समझाने में उनको। बच्चों के साथ कोई भी एक्टिविटी करने से पहले मैं कहना चाहूंगा प्लीज सिक्योरिटी को लेकर बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो में एक जो फादर है वो अपने बच्चे को बेसबॉल खेलना सिखा रहा है। छोटे बच्चे को बैट का इस्तेमाल करना नहीं आता है,
इसलिए जैसे ही वो बॉल को हिट करने की कोशिश करता है वो अपने पापा के पैर को जख्मी कर देता है। खतरे को देखते हुए पापा जो होते हैं बैक साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं ताकि बच्चा अच्छे से गेम खेल सके। लेकिन भाई साहब दूसरा शॉट भी पापा पर भारी पड़ता है क्योंकि बच्चा बॉल को हिट तो करता है लेकिन बैट को गलती से पापा के ऊपर फेंक कर रन लेने के लिए चल पड़ता है। दोस्तों पार्क में अक्सर आपने क्लॉ मशीन्स देखी होंगे जिसमें बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज होते हैं ना, हाँ हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आपने देखा होगा क्रेन हैंड होता है जिसकी मदद से बच्चे जो होते हैं वो सॉफ्ट टॉयज पकड़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे देखिए अक्सर अम्यूजमेंट पार्क में इन गेम्स का लुत्फ उठाते हुए आपको दिख जाएंगे और क्रेन हैंड से अपने फेवरेट टॉय को उठाने की कोशिश करते हैं। वैसे देखिए छोटे बच्चों के लिए गेम बहुत ही कूल होता है लेकिन इस वीडियो में मौजूद ये बच्चा शायद इस गेम को कभी ना भूले। दरअसल इस गेम में एक बच्चा क्रेन हैंड की हेल्प से क्लॉ मशीन में से बॉल को उठाने में सफल हो जाता है लेकिन जैसे ही बॉल को एग्जिट होल में डाला जाता है वो पलट कर वापस क्लॉ मशीन में चली जाती है और बेचारे नन्हे से बच्चे का दिल टूट जाता है। यार देखो यार वीडियो में बच्चे का एक्सप्रेशन देखने लायक है और हो भी क्यों ना, कोई इतना लकी नहीं होता यार कि जीतू ही बाजी हार जाए, वो भी इतना छोटा सा बच्चा। मैं वहां होता इसको एक सॉफ्ट टॉय में जरूर देता। दोस्तों फैशन टीवी वाले मॉडल्स जो होते हैं उनका पहनावा यार बड़ा अजीब होता है। हालांकि टीवी में वो कपड़े मॉडल्स पर शानदार लगते हैं लेकिन जब बात असल जिंदगी की आती है तो मेरे ख्याल से ऐसे फैशन को कॉपी नहीं करना चाहिए, नहीं मतलब अकॉर्डिंग टू मी। अगर ऐसा करते हैं तो भाई किसी कार्टून से कम नहीं लगते हैं लोग। देखिए रियल लाइफ का फैशन रियल लाइफ से काफी अलग होता है। जब लोग ये बात नहीं समझते ना तो उनके साथ वैसा ही होता है जैसा कि इस वीडियो में हुआ। आप देखिए एक महिला ने फैशन शो से इंस्पायर होकर खुद के लिए सैंडल्स खरीदी और उन सैंडल्स को पहनकर पार्टी में भी गई लेकिन जब वो पार्टी से घर आई तो बॉस उसके पैर की हालत कुछ ऐसी थी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। महिला के पैर का पूरा नक्शा बदल चुका था। जाहिर अब ये महिला ऐसी सैंडल्स पहनने से तौबा कर लेगी कि मैंने नहीं पहननी। दोस्तों इस क्लिप को देखिए और मेरे ख्याल से ये क्लिप हर उस ड्राइवर के लिए जो नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं। देखिए बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि खाली सड़क पर तो गाड़ी चलाना नए ड्राइवर्स के बाएं हाथ का खेल होता है लेकिन ट्रैफिक से भरी सड़क और फुल पार्किंग में गाड़ी पार्क करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। देखिए ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसा ही दिखने वाला है जिसमें ड्राइवर्स गाड़ी को पार्क करने में पूरी तरह से असफल हो जाता है और घर को ओहो तहस नहस कर देता है। देखो यार ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे नमूने हैं जिन्होंने गाड़ी को पार्क करते हुए ऐसे कारनामे किए हैं। ऐसी वीडियो हमें बताती है जिस काम में परफेक्शन ना होना बॉस उस काम की जिम्मेदारी लेना बेवकूफी है। जी हाँ तो ये थे कुछ अनलकी लोग, इनमें सबसे अनलकी आपको कौन सा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार बरसाओ, वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो बॉस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो प्लीज प्लीज प्लीज। आपके लिए मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं। अपना बहुत ख्याल रखो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।